इतनी समस्या, देखो प्रदूषण इतना है कि धुंध में दिखाई भी नहीं देता, कभी कभी दिखता भी नहीं, आँख एकदम धुंधलीपन हो जाती है प्रदूषण की वजह से। ये तो एक डोज हो गया, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं आदमी। मतलब दिल्ली में रहना है तो प्रदूषण के साथ जीना पड़े, और क्या करना पड़ेगा बताओ। बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। अच्छा, खांसी जुकाम तो एकदम आम बात हो गई है, एकदम कभी भी हो जाता है, कभी भी इन्फेक्शन लग जाते हैं। आँखों में जलन मचती है, खांसी में उठती है, सांस लेने में परेशानी आती है, बालों में झड़ते हैं बाल। राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं। प्रदूषण के प्रकोप से जो है पूरे दिल्ली के लोग इस वक्त जूझ रही है। हम इस वक्त मौजूद है ISBT कश्मीरी गेट के बस स्टैंड के पास, और एक बार हम आपको तस्वीर दिखाए, इधर एक बार तस्वीर दिखाइए और जरा जूम करके ऊपर की तरफ आसमान की तरफ दिखाइए किस तरह से जो है अभी आपको धुंधला धुंधला सब कुछ दिख रहा होगा दोनों तरफ, यानी ऐसा लग रहा होगा कि कुहासा है, लेकिन कुहासा नहीं है बल्कि ये जो है प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, जो कि आम जनता का सेहत खराब कर रही है, आम जनता की स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है। और इस चीज़ को लेकर कई ऐसे प्लान एक्टिव किए गए, चाहे वो विंटर एक्शन प्लान हो या फिर अन्य और भी कोई और प्लान हो दिल्ली सरकार के चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब नाकाम साबित दिखाई दे रहा है। और लोग जो है ये जहरीली हवा पीने को मजबूर हो रहे हैं, सांस लेने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ ऑटो वाले हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि पूरे दिन इन लोगों को जिस तरह से ऑटो चलाना पड़ रहा है, क्या ये पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं? क्या नाम है सर? हेम सिंह। ये बताइए, दिन भर ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, दिन भर चलाते। प्रदूषण है? है। कितना तकलीफ हो रहा है? आँखों में जलन होती है, नाक के अंदर भी जाता है तो मुंह में भी जाता है, उससे भी चेटापन होता है। जैसे ज्यादातर जो है पहले इस तरह आँखों में जलन होता था? हाँ, जलन जलन हो रही है, आँखों में जलन हो रही है। हाँ, तो क्या कर रहे हैं इसे बचने के लिए, क्या उपाय लगाया? हमने तो कुछ नहीं लगाया, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ही चल रहे हैं। मास्क वगैरह कुछ? मास्क लगा लेते हैं कभी कभार। मतलब सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है? हो रही है धुआं से। अच्छा, मतलब ये जो है अभी ठंड नहीं है, लेकिन इस तरह से आप देख रहे पूरे दिल्ली में, और अभी जो है AQI 400 के पार तक पहुंच जा रहा है, ये प्रदूषण ज़्यादा है। ज़्यादा है, मतलब आप लोगों को कठिनाई हो रही है, सारे दिन रहते हैं रोड पर। सरकार से क्या कहेंगे, दिल्ली सरकार क्या कहेंगे? सरकार क्या सुनने वाली है हमारी, कुछ नहीं सुनने वाली। अच्छा, हमारे काम धंधे सब चौपट कर दिए सरकार ने, काम धंधे भी चौपट हो गए, और सब बसें फ्री करके, कभी रिक्शा निकाला, कभी कोई लिमिट ही नहीं है रिक्शे की। तो इससे हमें बहुत फर्क पड़ गया काम पे। मतलब इस चीज़ को लेकर आप लोगों को काफ़ी फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा है साहब, आधे से ज़्यादा। और भी आगे चलते हैं, और भी ऑटो वाले हैं, उन लोगों से जानते हैं कि उन्हें जो है प्रदूषण को लेकर किस तरह से जूझना पड़ रहा है। ये बताइए, प्रदूषण को लेकर आप लोगों को समस्या हो? हाँ जी, किस तरह से समस्या हो? आँखों में जलन मचती है, खांसी में उठती है, सांस लेने में परेशानी आती है, बालों में झड़ते हैं बाल, इसलिए हैरानी होती है। कि समस्या पहले आप लोगों को आती थी? नहीं हुई थी, अभी होने लगी। हाँ, सरकार तो जो है बहुत सारे विंटर एक्शन प्लान चला रही है, प्रदूषण हटाने के लिए स्कीम चला रही है, क्या प्रदूषण हटा? नहीं हटा, अभी कहाँ हटा, अभी कार्रवाई कर रहा है वो। हाँ, मगर कर रहा है वो बस, मतलब लेकिन दिख नहीं रहा। नहीं, एक बार जो है इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर जी? नाम आलम है। अच्छा आलम साहब, ये बताइए प्रदूषण है? प्रदूषण है। क्या समस्या आ रही है आप लोग? समस्या है कि सांस लेना दुश्वार है जी। हाँ, आँखों में भी जलन वगैरह, जलन हो रही है। तो क्या कहेंगे, सरकार जो है बहुत सारे वो ला रही है विंटर एक्शन प्लान प्रदूषण खत्म करने के लिए, हो रहा है प्रदूषण खत्म? कुछ नहीं हो रहा जी, सब कहने वाली बातें हैं बस। हाँ, कहने वाली बात है, कुछ नहीं होगा ना होने वाला है। हमारे देश जितने मंत्री हैं सब ऐसे ही कहते हैं, हम प्रदूषण खत्म करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। तरफ से सुझाव दे दे ताकि जिससे प्रदूषण रुके? कुछ नहीं, अब तो हम लोग गलती है, हम लोग ट्रैफिक कम करना चाहते हो, नहीं ट्रैफिक कम। हाँ, गलती हमारी बहुत बड़ी है, नहीं होने वाला सर कम, नहीं होने वाला है कम। ये देखिए, कम नहीं होने वाला है। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम विनोद है। अच्छा विनोद भाई, ऑटो चलाते हैं, सांस लेने में, आंखों में जलन, इस टाइप का कुछ? भैया बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, खांसी जुकाम तो एकदम आम बात हो गई है, एकदम कभी भी हो जाता है, कभी भी इन्फेक्शन लग जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में तो बहुत दिक्कत हो रही है, हर जगह इतनी काम चल रहा है जब से मेट्रो का, तो और ज़्यादा धूल मट्टी इतनी हो रही है, पूछो मत, पोल्यूशन की तो बात ही दूर है, ये धूल मट्टी में ही मर जाएंगे हम लोग। दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण इस बार दिल्ली में भरपूर है। जबरदस्त जबरदस्त भैया, कह नहीं सकता सॉरी इस चीज़ के लिए। क्या नाम है? राजू। अच्छा राजू जी, ये बताइए, आप लोग ऑटो चलाते हैं, प्रदूषण है क्या दिल्ली? प्रदूषण बहुत है जी,
प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। समस्या किस तरह से आ रही? समस्या क्या, इतनी समस्या देखो, प्रदूषण इतना है कि धुंध में दिखाई भी नहीं देता, कभी कभी दिखता भी नहीं, आँख एकदम धुंधलीपन हो जाती है प्रदूषण की वजह से। आँखों में जलन वगैरह, खांसी? खांसी भी होती, जलन भी होती, सब होती है। अब क्या कर सकते, मजबूरी है भाई, पेट पालना है मुझे, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर पेट पालना नहीं हो तो गाँव चला जाऊँ अपने। सरकार को क्या कहेंगे, दिल्ली सरकार को? अब भाई साहब, दिल्ली सरकार को क्या कह सकते हैं हम, देखो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं प्रदूषण को रोकने के लिए, फिर भी जो है प्रदूषण नहीं रुक रहा। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये तो वही बताएंगे जी, हम क्या बता सकते, हम तो कुछ बता नहीं सकते। पैसा तो आम जनता का ही है, पैसा जनता का और किसका है? हाँ। जनता का तो पैसा खर्च हो रहा है, पैसा किसका खर्च हो रहा है बताओ ना, पैसा हमारा ही तुम्हारा खर्च हो रहा है ना, बाकी पैसा और किसी तो नहीं खर्च हो रहा है, ठीक है? कहीं चालान हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, यही पैसा खर्च हो रहा है। क्या किया जाए सरकार को, कुछ आप सुझाव देंगे किस वजह से जो है ये प्रदूषण रोका जा सकता? महाराज हम तो कह नहीं सकते देखो किसी को, ठीक है? हम अगर कहेंगे, हम ऑटो ड्राइवर हैं, देखो हम नहीं कह सकते किसी के बारे में, चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल, हम किसी के बारे में नहीं कह सकते हैं। हाँ भाई, जैसे चल रहा है, हम जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन दिल्ली में जो है प्रदूषण काफ़ी है। क्या नाम है सर? मोहम्मद रमजानी। अच्छा रमजान भाई, ये बताओ प्रदूषण बढ़ी है दिल्ली में? प्रदूषण बढ़ी है, प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम तो हो ही रहा। क्या क्या समस्या आ रही है थोड़ा बताओ? सांस उस लेने में ज़रा, अब मच्छर का ज़्यादा परेशानी आपके हो गया है। हाँ। ये बहुत परेशानी है। सरकार तो जो है खर्च कर रही है, लगातार नई नई योजनाएँ बना रही है, फिर भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, वो तो सरकार को सोचना चाहिए, पब्लिक थोड़ी सोचेगी इस बात को, इस बात को पब्लिक थोड़ी सोचेगी तो सरकार को ही सोचना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो है प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या नाम है भैया आपका? आशीष। थोड़ा सा हेलमेट निकाल लेंगे यार, हमने भी पॉल्यूशन से बचने के लिए ये लगाया है। नहीं, अब तो पोल्यूशन की आदत पड़ गई भाई। अच्छा, ये तो एक डोज हो गया। हाँ। इसके बिना तो चलेगा ही नहीं आदमी। मतलब दिल्ली में रहना है तो प्रदूषण के साथ जीना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा बताओ, ये तो लेना पड़ेगा सुबह दोपहर शाम। अच्छा। ले जाओ दवाई की तरह। हाँ। और क्या है? लेकिन लगता नहीं इससे कि आपके अंदर जो है नुकसान पहुँच सकता है, लीवर को, फेफड़े को? कोई दिक्कत नहीं होने दो, अब जो सरकार ने छोड़ दिया अब तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा। अब फेफड़ा जले। हाँ। या दिल जले या कुछ भी गले। हाँ। उससे क्या प्रॉब्लम है? मतलब सरकार को जो है अपनी जनता की परवाह नहीं? ये बताओ ना, जनता की पहली बात तो सरकार इसमें करेगी क्या? पॉल्यूशन हाँ। इतना है, सरकार तो अपने घरों से उगा नहीं रही है। हाँ। दूर से पॉल्यूशन आता है, कहीं पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, कहीं कहीं से आ रहा है। दिल्ली में सरकार है, वही तो पंजाब में सरकार है। फिर भी जितना कितना कर लेगी सरकार, बहुत कर रही है, जो ईमानदारी वाली बात है वो। अब क्या करेगी? हाँ। इतनी गाड़ियों का पोल्यूशन कम है क्या? एसी कम लगे हुए लोगों के, एसी बंद करवाओ। अब की सड़कों पर जो ओवर एज बसें दौड़ रही हैं उनसे भी तो प्रदूषण हो? बिल्कुल होता, क्यों नहीं होता, तो सीधी सी बात हो गई है। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, ये हो रही है, पता नहीं कब तक आएंगे। पोल्यूशन तो है ही है, कुछ गाड़ियों का तो बहुत है यार। क्या नाम है सर? सुरेश। अच्छा सुरेश जी, ये बताइए, ऑटो ड्राइवर है आप? हाँ जी। ऑटो चलाते हैं, प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। किस तरह से समस्याएं हुई? गला खराब हो रहा है, सांस की प्रॉब्लम आ जाती है, देख रहे हो ना कितना हो रहा है। हाँ। दिख रहा है सामने, देखो कितनी ज़बरदस्त प्रदूषण है। हाँ। जो सांस घुटता है और गले में खराश सी आ जाती है, नाक में लगता है, ऐसे कुछ लग रहा है, और आपको दिख भी रहा है, देखो कितना हो रहा है, ऊपर जा रहा है। पॉल्यूशन जो है इस बार कंट्रोल में नहीं? बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है, आँख में मिर्ची जैसे लगती है, बिल्कुल। तो ये तमाम आम जनता की समस्याएं हैं कि प्रदूषण इस बार दिल्ली के अंदर इस तरह से बेकाबू हुआ पड़ा है कि वाकई में उसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कई ऐसे प्लान चलाए हैं, चाहे वो विंटर एक्शन प्लान हो या फिर रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ये तमाम चीज़ें चलाई जा रही हैं। उसके बावजूद भी जो है, एक बार दिखाइए किस तरह से जो है ये कश्मीरी गेट के पास बस खड़े हैं सड़कों पर, और यहाँ से हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं अभी आसमान में, किस तरह से आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा, यानी कि साफ तौर पर ये जो दिख रहा है ये धुंध नहीं बल्कि ये प्रदूषण है, और प्रदूषण के प्रकोप से पूरी दिल्ली के लोग परेशान हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।